फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में बताया है कि अगर आपके पीपीएफ अकाउंट के पब्लिक प्रोविडेंट फंड के 15 साल पूरे हो चुके हैं और आप उसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं, तो बैंक में आपको एक्सटेंशन का फॉर्म किस तरीके से भरना है। सबसे पहले आप बैंक जाने के पहले अपने आधार कार्ड की कॉपी और पासबुक अपने साथ रखें। आइए लाइव डेमो देखते हैं कि किस तरीके से हमको ये फॉर्म भरना है। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि SBI का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म कैसे भरते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा पीपीएफ के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट लिखना है, जैसे मैंने आज की डेट लिख दी है। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का नाम, उसके बाद आपके अकाउंट से जुड़े हुए नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, उसके बाद आपके अकाउंट से जुड़े हुए आपके अकाउंट नंबर, उसके बाद आपकी जो भी ब्रांच है उसका आपको यहाँ पर नाम लिख देना है, और आपको जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ PPF अकाउंट आफ्टर 15 ईयर, तो इस पर क्लिक करके इसको मैं आपको समझाता हूँ। इसमें ये यूँ पूछ रहा है, 15 साल बाद आपको PPF खाते के लिए विस्तार के रूप में अनुरोध, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। PPF से आप एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। PPF एक पब्लिक प्राइवेटेंट फंड होता है। ये भारत की सबसे लोकप्रिय सेविंग स्कीम में से एक स्कीम होती है। ये बचत योजनाओं में से एक है और इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा ऑफर किया जाता है, तो इस योजना में निवेश किए गए पैसे रिटर्न सुरक्षित और गारंटेड होते हैं। इसमें निवेश कम से भी कम आप 500 रुपये तक का कर सकते हैं और इसकी सालाना इनकम होती है 1.5। उसके बाद आपको ये कॉलम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको अपना साइन करके इसके पीछे अपना आधार कार्ड लगा के ये फॉर्म आपको बैंक में सबमिट करवाना है। तो होप यू गाइस मेरा आपको ये फॉर्म भरना पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। थैंक यू दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए।